हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। अब आप एमएसके मैड साइंटिस्ट चैनल पर आ ही गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो, जिससे साइंस और यूनिवर्स से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो मिले। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इसरो के ओल्ड एंड न्यू चीफ के बारे में। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि के शिवम सर एक जीनियस साइंटिस्ट और एक स्वीट हार्टेड पर्सन थे। इसका पता हमें इस बात से चलता है कि चंद्रयान 2 के सफल लॉन्चिंग के बाद ऑर्बिटल को चांद पर लैंड कराया गया था, तब कुछ टेक्निकल इशू आने की वजह से वह लैंड नहीं कर पाया था और हमारा संपर्क उससे टूट गया था। इसी बात से दुखी होकर के शिवम सर पीएम मोदी के गले लगकर रोने लगे थे और पीएम मोदी ने सांत्वना देते हुए कहा था कि रुकावटों से हौसला और मजबूत होता है। और इसी पल को देखकर मैं खुद भी भावुक हो गया था, जो कि मैं जल्दी से होता नहीं हूँ। इसी के साथ के शिवम सर का कार्यकाल भी समाप्त हो गया, जो कि सन 1 जून 2015 से 14 जनवरी 2022 तक चला। अब के शिवम सर को रिप्लेस करके इसरो के न्यू चीफ एक रॉकेट साइंटिस्ट बने हैं, जिनका नाम एस सोमनाथन है, जो कि एक साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक ग्रेट पब्लिक स्पीकर व सिनेमा लवर भी है। ये तो वह सेम बात हो गई क्रिकेट की तरह, जैसे कि क्रिकेट में विराट कोहली को रिप्लेस करके रोहित शर्मा को न्यू कैप्टन बना दिया गया है, वैसे के शिवम सर की तरह कोहली मुझे पर्सनली एज ए कैप्टन ज़्यादा पसंद था। बट किसी ने क्या खूब कहा है, समय के साथ बदलना जरूरी है, तभी आप किसी मुकाम तक पहुंच पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ एस सोमनाथ की इंटरेस्टिंग जर्नी के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। बचपन से ही एस सोमनाथ जी को सन, मून, स्टार्स एंड स्पेस में काफ़ी फैसिनेट थे। इनके पिता हिंदी टीचर होने के बावजूद भी इनके लिए साइंस से रिलेटेड एस्ट्रोनॉमी की बुक्स लाते थे, जिनको वे स्कूल लेवल पे ही कंप्लीट कर देते थे। एस सोमनाथ केरल में रहने वाले हैं, जो कि एक मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट है। वह इनका जन्म 1963 में हुआ था। इन्होंने केरल में KTM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिक्स की डिग्री ली। इसके बाद इंडिया के नंबर वन कॉलेज IISc मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलोर से इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PG की डिग्री ली। वो यहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं। एस सोमनाथ सर बताते हैं कि मैं जब इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहा था, तब मुझे रियलिटी में स्पेस को लेकर क्यूरियोसिटी बनी और वहाँ पर मेरे पास कोई स्पेशलाइजेशन भी नहीं था, मैंने मैकेनिक्स में ही सब कुछ करा। जब मैंने ग्रेजुएशन की तो वहाँ के कोर्स के अंदर मेरी क्यूरियोसिटी प्रोपल्शन के अंदर ज़्यादा बढ़ गई, तो मैंने अपने प्रोफेसर से प्रोपल्शन के बारे में पढ़ाने के लिए बोला। तो अब हम इनके प्रोफेशनल करियर के बारे में जान लेते हैं। तो इन्होंने 1985 में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर को ज्वाइन किया। इसके बाद इनकी लाइफ में काफ़ी अचीवमेंट आने लगी, जैसे PSLV मीन्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को डेवलपमेंट में इनका काफ़ी योगदान रहा। इसके बाद इनकी अचीवमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ी, जैसे कि GSLV Mark 3 जब लॉन्च हुआ, तब वह इस मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी थे। GSLV Mark 3 के सक्सेसफुल लॉन्च होने के बाद जून 2015 में मिस्टर एस सोमनाथ को LPSC मीन्स लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम का डायरेक्टर भी बना दिया गया। पर इनकी अभी लाइफ में अभी अचीवमेंट ख़त्म नहीं हुए थे, और सबसे बड़ा अचीवमेंट आना अभी बाकी था, जो कि अभी रिसेंटली 14 जनवरी 2022 में अपने ही सीनियर एस शिवम को प्रोसीड करते हुए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मीन्स इसरो के न्यू चेयरमैन बन गए। इसी कारण मैं मिस्टर एस सोमनाथन व रोहित शर्मा को अपने तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि वह अपनी स्पेस एजेंसी को काफ़ी आगे ले जाए और पूरे देश में हमारे देश का नाम ऊंचा करे। थैंक यू।